जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट के सभागार में सोमवार को नागरिक सुरक्षा कोर के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजय कुमार गुलाटी ने बताया कि यह बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 महीने पर की जाती है, जिससे सभी विभागों का आपस में समन्वय स्थापित हो सके। उन्होंने कहा, शासन के निर्देश अनुसार 29 अप्रैल को ब्लैक आउट का मॉक ड्रिल किया जाएगा। यह मॉक ड्रिल दुश्मन की बढ़ती गतिविधियों की वजह से की जा रही है, जिसके लिए एक एरिया को चिन्हित किया जाएगा और मॉक ड्रिल शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच होगा और उस दिन उस एरिया की लाइट ऑफ रहेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है तथा शत्रु प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर पर निशाना बनाने का प्रयास करता है, लेकिन देश के नागरिक अपने परिवार के सक्रिय सहयोग से नगर की सुरक्षा कर सकते हैं। शत्रु निशाने का पता प्रकाश प्रधान नक्शे द्वारा प्राप्त करता है। यदि हम प्रकाश प्रतिबंध पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो शत्रु कभी हमारे नगर को निशाना नहीं बना सकता है। इसी उद्देश्य से प्रकाश प्रतिबंध लागू करेंगे ताकि 5000 फीट की ऊंचाई से प्रकाश ना दिखे। इस अवसर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजय गुलाटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजय कुमार गुलाटी ने कहा, पहले हमारे वार्डन भी जो रोड पर लोग रहेंगे तो इससे कोई पहली वाली स्थिति नहीं, हम लोग पहले से अनाउंस भी करेंगे और एयर रेड वार्निंग का मतलब कि लड़ाकू विमान हमारे क्षेत्रों में घुस चुके हैं। आप वार्डन सेवा के और एक ट्रेनिंग सेवा और संचार सेवा को मैं खुद ही सर उसी हूँ, बाकी सी एम सर है और एयर फोर्स से भी आप माइनस स्क्वाड लीडर बैठो जी। सर उस दिन हुआ है 29 तारीख को सर्किट हाउस और जो एनएक्सी का क्षेत्र है उसके बाद सारी एजेंसी सर काम करना शुरू कर देंगी। आधे घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी सर, फिर लाइट आ जाएगी। फिर ये रहेगा कि सर हमारे ऊपर एक हवाई हमला हुआ है, हमले के दौरान तमाम सारी जगहों पे आग भी लगी है, बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, कुछ बिल्डिंग कोलैप्स है तो वहाँ से कुछ इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू का वो एक दिखाएंगे लोग सर, सिविल डिफेंस के लोग भी, और लाइटिंग स्थिति अगर वो कहीं और जाकर के गिरा देगा तो पार्क वाली एरिया में सर वो गिराएगा, वहाँ बम हम सर कराएंगे। तो सबको बता दीजिए सर, मार्ग प्रकाश के भी लोग बैठे हैं, विद्युत विभाग के भी लोग बैठे हैं, तारामंडल का वो क्षेत्र जो है आधे घंटे के लिए सर वो 7:30 से 8 के बीच में सर वो रहेगा और सभी लोग तो हमने सर ब्रीफ कर दिया, बस आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता, आपके आदेश की आवश्यकता है। सारे बॉर्डर यहाँ पर रहेंगे, 450 बॉर्डर रहेंगे और पूरा 200 बॉर्डर सर रहेंगे उस एरिया सर, और बाद में सर उसमें ही होनी है तो सर जो भी जितने भी एजेंसी रहेगी तो आपका बस आशीष वचन मिल जाएगा 5-10 मिनट के लिए तो सर अच्छा रहेगा, और जो भी लोग वर्क किए रहेंगे तो हम रहेंगे तो तैयारी करा करके सारे विभाग को दे देंगे सर हम लोग, और इतना है और बाकी सर कुछ कहना नहीं है। सर आपसे एक निवेदन हम लोगों ने किया था कि हमारा जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे स्टोर और ऑफिस हमेशा किए सर वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए, तो सर हम लोग ये बहुत बड़ी समस्या है और पूरा उम्मीद है कि सर ये बिल्डिंग तो मैंने आदेश किया था, क्या हुआ उसके बाद फॉलोअप नहीं हुआ क्या? सर ये तक ये नाजिद के पास की है, उन्होंने कहा कि मैंने एडीएम सर से बातचीत की थी तो आप सिटी में से मिल लीजिए, मैंने आदेश तो किया हुआ है सर, स्टोर रहेगा ऊपर ऑफिस रहेगा आपको वो जगह दी जी सर, और किसी मतलब किसी के काम नहीं आ रहा, अभी मैं प्रशासन अधिकारी से बात करूंगा, वो आपसे बात करेंगे सर और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है सर? बस इतना ही था, बस वन इन जनरल टेंट नॉट एंड लेटर ऑन इन द फील्ड, पहले टेंट में जितना है मैं लड़ाई तो पहले हमारी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए, सावधानी क्या बरतना है इससे लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी, हम सबके लिए अपनी भूमिका क्लियर हो जाएगी और सुनियोजित तरीके से हम लोग आपातकालीन में युद्ध के काल में तैयार रह पाएंगे, इसके लिए एक्सरसाइज किया जा रहा है, इसमें आप सबको बहुत शुभकामनाएं। कभी कभी ज़्यादा शब्द उचित नहीं होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको एक टीम भावना से अच्छी तरह अपने अपने योगदान दीजिएगा, अपने अपनी भूमिका निभाइएगा, नो मिस्टेक्स, नो कैजुअल्टीज एंड बेस्ट प्रिपेयरनेस, बेस्ट परफॉर्मेंस। उस दिन डीब्रीफिंग में जो भी लर्निंग्स हैं उसमें हम लोग समझेंगे क्या गलतियाँ हुई, क्या अच्छा काम हुआ है, और देन वी विल डू करेक्टिव एक्शन, और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, हमारा इस तरह के आपातकालीन प्लान में बहुत अच्छी तैयारी रहे गोरखपुर जनपद में, ये हम लोग करते हैं।
अभी होंगे एजेंसी अपनी भूमिका में रहेंगे सर, फिर हम लोग अधिष्ठा अधिकारियों की बैठक है और इसमें ये हर 6 महीने पर शासन के निर्देशानुसार होती है, जिसमें हम लोग सिविल डिफेंस की तरफ से जो हमारे ऑफिसर कमांडिंग है वो हम हैं और हमारे उपनियंत्रक महोदय हैं सिंह साहब। तो ये बैठक की जाती है कि सभी विभागों के आपस में समन्वय बनाने के लिए, जैसे कि हमारी 12 सेवाएं हैं, संचार सेवा है, फिर आपका ये बाकी CMO सर के यहाँ की सेवाएं हैं, फिर नगर निगम की सेवाएं हैं, बिजली की है, तो इन सभी सेवाओं का एक समन्वय बनाया जाता है 5-6 महीने पे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे शासन का ये निर्देश है कि 29 तारीख को ब्लैकआउट का एक मॉक ड्रिल होना है, दुश्मन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए 29 तारीख को एक मॉक ड्रिल हम लोग करने जा रहे हैं। 6 से 9 एक एरिया हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिलाधिकारी महोदय के अप्रूवल से, जिस एरिया में हम लोग टोटल ब्लैकआउट करेंगे उस दिन शाम को 6 से 9 बजे।